जरा ये साझा देख घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है आपने रातों रात। अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया, जरूर दाल में कुछ काम। आपने ध्यान से अगर सुना हो तो वो ये कह रहे हैं कि काला धन नोट इत्यादि बैग भर भर के कांग्रेस को टेम्पो में डाल डाल के अदानी और अंबानी ने दिए हैं। अगर उनके पास इतना काला धन है तो 10 साल में आप प्रधानमंत्री पद पे बैठ के क्या मंजीरा बजा रहे थे? उन्हीं को तो लेकर के जा रहे थे विदेशों में उनके कॉन्ट्रैक्ट कराने। कहां है आपकी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स? जो इतना काला धन जो अंबानी और अदानी के घरों में था, जो आज आप कथित तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस को दिया उन्होंने, उनको क्यों नहीं पकड़वाया? हम सब जानते हैं कि कॉरपोरेट घरानों का माल राजनीतिक दलों के कितने लाभ और काम आता है, और इसीलिए उसके बाद आप जैसे नेता मिस्टर मोदी उन राजनीतिक घरानों को लाभ पहुंचाते आए हैं। और अंत में आज आपका ये रोना गाना देख के तय हो जाता है कि शायद अंबानी अदानी ने अब आपको त्याग दिया है। नहीं तो आप मिस्टर मोदी अंबानी और अदानी को गरियाएं, आप ऐसा कहें कि वो ब्लैक मार्केटियर है, आप ऐसा कहें कि अदानी अंबानी के पास काला धन है, मोदी आप ऐसा कहें कि मुकेश अंबानी और गौतम अदानी ने बैग भर भर के टेम्पो भर भर के कैश कांग्रेस को दिया है। दाल में कुछ काला नहीं, आपकी पूरी दाल काली है। और आम जनता, आप इस मोदी के इस रोने गाने को नोट कीजिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों? मुकेश अंबानी और गौतम अदानी को गाली देते हुए नरेंद्र मोदी, कभी आप सोच भी सकते हैं? पहले देखिए, अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा दे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या क्या सौदा हुआ है आपने रातों रात। अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया, जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। अरे भाई साहब, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी के खिलाफ हो गए नरेंद्र मोदी। तेलंगाना में आज कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ अंबानी और अदानी ग्रुप की साठगांठ हो गई है। आपने ध्यान से अगर सुना हो तो वो ये कह रहे हैं कि काला धन नोट इत्यादि बैग भर भर के कांग्रेस को टेम्पो में डाल डाल के अदानी और अंबानी ने दिए हैं। सवाल 2-3 खड़े हो जाते हैं। पहला, ये जो अब तक का आपका मिस्टर मोदी हम बिस्तरी थी अंबानी अदानी की, वो कहां गई? दूसरा, अगर उनके पास इतना काला धन है तो 10 साल में आप प्रधानमंत्री पद पे बैठ के क्या मंजीरा बजा रहे थे? उन्हीं को तो लेकर के जा रहे थे विदेशों में उनके कॉन्ट्रैक्ट कराने। यानी हो सकता है कि आपके कथन के अनुसार कथित तौर पे आपने उन्हें ब्लैक मनी कमाने का मौका दिया,
लेकिन देश के भले के लिए आपके अनुसार उन्होंने कांग्रेस को दिया, यही मतलब निकलता है। कहां है आपकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो इतना काला धन जो अंबानी और अदानी के घरों में था, जो आज आप कथित तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस को दिया उन्होंने, उनको क्यों नहीं पकड़वाया। तीसरा, याद है मुझे 2014 का समय जब आप प्रधानमंत्री बने और उससे पहले इस देश में क्या हुआ। उससे पहले मुकेश अंबानी मनमोहन सिंह की सरकार को सपोर्ट करते थे, जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, धीमे धीमे मुकेश अंबानी का पलड़ा आपकी तरफ झुका और उसके बाद 2014 में सरकार बदली, मनमोहन सिंह जी की खत्म हुई और आप जी की शुरू हुई। हम सब जानते हैं कि कॉरपोरेट घरानों का माल राजनीतिक दलों के कितने लाभ और काम आता है, और इसीलिए उसके बाद आप जैसे नेता मिस्टर मोदी उन राजनीतिक घरानों को लाभ पहुंचाते आए हैं। और अंत में आज आपका ये रोना गाना देख के तय हो जाता है कि शायद अंबानी अदानी ने अब आपको त्याग दिया है, नहीं तो आप मिस्टर मोदी अंबानी और अदानी को गरियाएं, आप ऐसा कहें कि वो ब्लैक मार्केटियर है, आप ऐसा कहें कि अदानी अंबानी के पास काला धन है, मोदी आप ऐसा कहें कि मुकेश अंबानी और गौतम अदानी ने बैग भर भर के, टेम्पो भर भर के कैश कांग्रेस को दिया है। दाल में कुछ काला नहीं, आपकी पूरी दाल काली है। और आम जनता, आप इस मोदी के इस रोने गाने को नोट कीजिए, वो इसलिए कि जब ये रोता है तो ये जानता है कि इसने अपने हाथ से बाजी खो दी है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, बस तो 50 दिन दीजिए, क्योंकि वो जानता था उसने देश बर्बाद किया। जीएसटी के समय भी रोया, चीन पाकिस्तान के नाम पे ये रोया, हिंदू मुसलमान के नाम पे ये रोया। जब जब इसके हाथ से बाजी जाती है ये रोना शुरू करता है। और आज तेलंगाना में रैली में महानुभाव नरेंद्र मोदी ने अंबानी और अदानी को काले धन का मालिक बता दिया, काले धन के शहंशाह बता दिया, और यहां तक कहा कि उन्होंने कांग्रेस को कुछ सौदा करके पैसे दिए हैं। अंबानी और अदानी अगर तुमको पैसा दे करके पाल पोस सकते हैं 10 साल, तो शायद देश हित में उन्होंने किया भी हो कि आपने तो उन कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करा दिए थे, याद है। लेकिन मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर लगता है कि पीएम केयर के नाम पे उड़ाए आपके पैसे खत्म, मुझे लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे खत्म, मुझे लगता है कि आपके पास 3 चरणों की न्यूज आ चुकी है जिसमें आप 100 सीटें भी नहीं पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप अब अंदाज लगा चुके हैं कि 543 में से आप 200 सीट भी नहीं ला पाएंगे एनडीए, इसलिए अब आपका ये रोना गाना शुरू हुआ है। बहुत अच्छा है, देश के भले के लिए है, और मैं तो चाहूंगा कि अंबानी अदानी सही जगह पैसा लगाएं, वैसे भी बहुत बड़े सट्टेबाज हैं, सही जगह पैसा लगाएं। और अब तक ये जो नरेंद्र मोदी पे दाव खेल रहे थे, हो सकता है कि वो अब थक ऊब और आपसे परेशान हो गए हो, वैसे ही जैसे देश हो चुका। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।